रावलपिंडी थाना वारिस खान की हदूद में हाफजा खातून को ओबाश ने निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने इंसाफ के लिए दाई लगा दी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंसाफ की अपील कर दी। मुतासरा खातून का कहना था कि मैं अपने शोहर से नाराज़ होकर मैके के लिए घर से निकली। मुझे जमरद नामी शख्स बस स्टॉप का कहकर धोखे से अपने हाली मकान में ले गया। जमरद ने मुझे 10 रोज तक कमरे में बंद रखा और निशाना बनाता रहा। जमरद की काफ़ी मन्नत समाजित की मगर वो बाज ना आया। थाना वारिसान पुलिस ने मुलजम को हिरासत में लेकर मुझे बुलाया था। थाने पहुंची तो मुलजम थाने से जा चुका था। मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया जा रहा। पुलिस मुझ पर दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है। पुलिस एहलकारों का कहना है कि मुलजम असर और सूख वाला है, तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। खातून के मेडिकल ना होने की वजह क्या है, वाकई के तमाम पहलुओं से तफ्तीश के बाद जल्द मीडिया को आगाह करेंगे। खातून से मुबैना मुलजम जमरत खान पर 2 मजीद मुकदमा दर्ज हैं। मुलजम थाना पीर वदाई थाना सदर बिरूनी में दफा 324/34 का मुलजम है।